सुंदर गोपाल महाराज ओके हरे कृष्ण बलसी तंड गंगा नदी की सचिनंदन गौर हरि की निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे हम लोग सामने कोई बैठो कोई तो हिंदी वासी है नहीं सब कहाँ गए अरे हमारे वो कहाँ गए पंडित जी बम्बे 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 वाले कहाँ गए इधर आ शिव सिंह महाराज आप परीक्षित महाराज और आपका बेटी के माया है कहीं माया है उसका मम्मी कहाँ माया की मम्मी माया माया मम्मी और गए कहाँ सब इधर आओ सामने बैठो हरे कृष्ण हाँ ये देखो ये स्थान का नाम तंडभंगा नदी है यहाँ पर कैसे लग रहा है देखो शांति शांति मिल रहा है ना ए बोलिए वृंदावन है लग रहा है वृंदावन यही आ गया यमुना देखो जैसे काली गली है ना यमुना में तो पानी नहीं यहाँ पर देखो कितने सुंदर पानी है एकदम काले रंग के पानी है और वृंदावन में तो सारे पेड़ पेड़ कट गया ए ट्रांसलेशन कर ना गप्पा मार रहे हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण इनको बोला इनको बोला ये वृंदावन में आ गए हो ये लगता है जैसे वृंदावन आश्रम है देखो ऋषि मुनि लोग पहले ऐसे आश्रम में रहा करते थे ऐसे छैया है कुटिया है पेड़ है पूरा ये वृंदावन जैसे लग रहा है हाँ वृंदावन है बोले वृंदावन धाम की जय जमुना महारानी की हरे कृष्णा हाँ ये जो नदी है ना इसका नाम है दंडभंगा नदी और इसका एक नाम भार्गवी नदी भी है भार्गवी नदी यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपना परिकरों को साथ में यहीं पर आए ये नदी में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इसी में स्नान किया है स्नान करके और यहीं से जगन्नाथ जी की जो चक्र है जगन्नाथ जी की जो चक्र चक्र है और झंडा यहीं से दर्शन करते हुए महाप्रभु एकदम प्रेम में एकदम गदगद हो गए आवेश हो गए यहाँ पर एक शंकर जी है जिसका नाम कपोतेश्वर महादेव है यहाँ पर भगवान राम भी यहाँ पर आए आकर के उन्होंने भी दर्शन किया शंकर और पार्वती ये कपत और कपोती जानते कपत क्या बोलते हैं कबूतर कबूतर और कबूतरी बन करके यहाँ पर जल विहार कर रहे थे स्वयं शंकर जी यहाँ पर स्वयं भगवान राम यहाँ पर जो शंकर जी को भगवान राम ने वहां पर अपने हाथों से उन्होंने स्थापन किया है स्वयं रामचंद्र ने क्योंकि भगवान हर समय अपना भक्तों का बड़ाई भगवान करते हैं जैसे रामेश्वर को भगवान ने स्थापन किया उन्होंने शंकर जी की पूजा की है हैं कोई कोई बोलते हैं देखा भगवान राम कैसे शंकर जी को पूजा कैसे शंकर जी बड़े हैं लेकिन कहते नहीं शंकर तो भगवान की सबसे परम सेवक है वैष्णव है भगवान की अगर शंकर जी को अगर प्रभु राम अगर स्थापन नहीं करते ना दुनिया में शंकर जी को कोई पूजा नहीं करता केवल अपना भक्तों का बड़ाई करने के लिए मेरे भक्तों का भी पूजा हो मेरे जैसे इसलिए भगवान शंकर जी को इतने आदर दिए है क्योंकि पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी हर समय श्री शंकर जी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दिन रात भगवान की नाम को श्री भोले बाबा जप करते हैं इसलिए महाप्रभु यहीं पर आकर के उन्होंने अपना दंड नित्यानंद प्रभु को दिया और गए शंकर जी के दर्शन करने के लिए अभी श्री नित्यानंद प्रभु बोल सोच रहे हैं बोले देखो महाप्रभु कौन है वो स्वयं कृष्ण है हैं स्वयं कृष्ण जिसको ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण का जो कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र है लेकिन उन्होंने केवल जगत वासियों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने केवल उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है
संन्यास धारण किया विश्व ब्रह्मांड कृत ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चितपद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमि। जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा अमरपति गणेश और लक्ष्मी जिनकी चरण को अपना गोद में लेकर दिन रात उनको चरणों को पलटती है, उनकी चरण की सेवा करती है, ऐसे श्री जगन्नाथ है, ऐसे श्री भगवान कृष्ण है। लेकिन जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन केवल लोक शिक्षा के लिए उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, शिक्षा दिया सबको एक दिन सन्यास लेना ही पड़ेगा, सन्यास के बगैर जीविका कल्याण नहीं, क्योंकि चार आश्रम है, पहले ब्रह्मचर्य 25 साल, उसके बाद में गृहस्थ 25 साल, 50 के बाद में एकाबन बाबन, मतलब घर में नहीं बन में जा, वृंदावन में जा, इसलिए बन ते बन चौ बन, ये बन बन मतलब घर में और नहीं, बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गया, जान बुझ करके टांग अड़ा करके मत रहा कर, नहीं तो बहू आएगी, बहू के साथ में लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो जाएगी, हाँ इसलिए इस बन बन शब्द है, हाँ? बोले एक समय, देखो आप बुरा मत मानो, एक समय क्या हुआ, कोई एक कथाकार था, किसने कहा भैया स्वर्ग कौन जाना चाहते, हाथ उठाओ, सबके सब बोले हम स्वर्ग जाएंगे हम सब, लेकिन एक बूढ़ी माता जी हाथ नहीं उठाई, और कथाकार ने बोले भैया क्या बात है, सब बोल रहे स्वर्ग जाएंगे और तुम केवल हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या चक्कर है। उसका जो बेटा बेटी भूत है ना, बोले बाबा जानते हो ये कि स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं, अगर ये स्वर्ग चली गई ना ये घर भी स्वर्ग हो जाएगा, अगर ये स्वर्ग चली, इसका मतलब वो कथाकार कह रहे हैं ये संसार जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है ना, संसार में हमें कोई कदर नहीं करते, ये कहते जल्दी जल्दी जाए, ये जल्दी जल्दी चले जाए फिर हमारा राज होता आएगा, क्यों घर में बड़े बूढ़े रहते ना सब डांटते रहते हैं ये मत करो ये मत करो, क्यों जानते हो बच्चे लोग गलत रास्ता पर चलते हैं ना, इसलिए इसका मतलब हमको जो उम्र हो जाए ना इससे पहले हमें जा करके ज्यादा संसार में टांग अड़ा कर नहीं रहनी चाहिए, रहेगा तो किसको साथ मन बिटा इधर इसको उसको बढ़िया है वृंदावन में स्थान लेकर के कहीं बस भगवान जो दिया उससे संतुष्ट रहो और भगवान की भजन करो सत्संग करो हरि कथा सुनो और पूरा समय को भगवान की भजन में लगा दो, है इसलिए अगर इसमें भजन नहीं करेगा पहले 59 फिर 60 61 62 फिर सटिया हो जाने फिर और कुछ नहीं होता है और फिर कुछ नहीं भजन भजन होना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए बानप्रस्थ और लास्ट में सन्यासी है, मतलब एक दिन सबको सन्यास लेना पड़ेगा ही, सन्यास मतलब होता है सम्यक रूप में संसार का आसक्ति को छोड़ करके काय मन और वाक्य ये तीनों में भगवान की भजन करने का, इसको कहते हैं सन्यासी, इसलिए महाप्रभु ने ये सन्यास लिए है, जो ट्रांसलेट महाप्रभु ने ट्रांसलेट कर लिसन, इसलिए महाप्रभु ने सन्यास लिया लोगों को शिक्षा देने के लिए, महाप्रभु जब सन्यास लिए अभी नित्यानंद प्रभु को दंड दे दिया, नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं बोले दंड महाप्रभु कौन हूँ मेरे प्रभु है बोले मैं कौन हूँ बोले ये शंकर सर कारणों तो साई गर्भोद साई चौपयप्ति साई, मतलब ये मूल इनसे ही ये गर्भोद साई कर्णदप साई खिराब्दि साई शेष इन से ही प्रकट होते हैं इन से ही, और कारण तो साई से जितने अवतार आते हैं ये भी स्वयं विष्णु तत्व है, लेकिन मैं जिनकी 5 रस से और 10 शरीर से इनकी सेवा करता हूँ, आसन पादुका उनका छत्र व्यंजन वस्त्र जनेऊ उनका अलंकार हर रूप में मैं महाप्रभु का सेवा में करता हूँ, जिनकी सेवा में स्वयं करता हूँ, जिनके हृदय को हृदय में जिनके चरण को धारण करता हूँ, वो कहाँ विश्व ब्रह्मांड के मालिक है और एक दंड लेकर जा रहे हैं, उन्होंने तो इसलिए दंड लिया लोगों को शिक्षा देने के लिए, अब वो दंड को बहन करके मैं जिनको स्वयं उनके हृदय में जिनका चरण को धारण करता हूँ वो तेरे को लेकर घूमेंगे, हाँ इतने में नित्यानंद प्रभु ने क्या किया वो दंड को ना 3 खंड कर दिए, तीन टुकड़े उन्होंने कर दिए, 3 टुकड़े करके जो ये जो नदी है ना इसी नदी में 3 टुकड़े करके इसी नदी में उन्होंने दंड को उन्होंने बहा दिया,
हैं, दंड को उन्होंने बहा दिया। अभी महाप्रभु आए, कपटेश्वर दर्शन करते हुए आए, पूछे भैया मेरे दंड कहाँ है, इसको पूछे इसको दंड कहाँ, भैया दंड कहाँ है। नित्यानंद प्रभु बहानाबाजी कर दिया, बोले प्रभु दंड तो आप मेरे को दिया था, लेकिन क्या हुआ, अब तो का शरीर का तो आपका आवेश है ही नहीं, कभी कृष्ण बोल कर गिरते हैं पछाड़ खा करके, क्या हुआ, आपने कृष्ण प्रेम में जो पछाड़ खा कर गिरे ना, ये दंड के ऊपर गिर पड़े और ये दंड टूट गया, और टूट गया तो मैंने गंगा में इसको बहा दिया, हैं, उन्होंने बहाना बना दिया, आपसे आप ही तोड़ दिए, अगर ये खुद बोलते मैं तोड़ दिया ना, महाप्रभु शासन करते, तो महाप्रभु को ऊपर उन्होंने दोष लगा दिया, आप ही गिर पड़े, आपका होश नहीं रहता है, टूट गया मैं क्या करूं। महाप्रभु ने कहा मैंने अपना घर द्वार पत्नी मां सब मैंने त्याग दिया, मेरा संगी कोई नहीं था, मेरा संगी केवल एक दंड ही था, और ये दंड ही तुमने तोड़ दिया, हाँ ये दंड ही तुमने तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने बोले अब यहां से तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, ये बताओ तुम पहले जाओ जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, नहीं तो मैं पहले जाऊंगा, बताओ क्या करोगे, तुम पहले जाओ ना, मैं पहले जाऊंगा, बोले प्रभु आप ही पहले जाओ, अब तो पीछे पीछे हम चलेंगे। फिर महाप्रभु यहीं से ही जगन्नाथ जी को झंडा दर्शन करते हुए कृष्ण प्रेम में दीवाना बन करके हा कृष्ण करते करते यहीं से महाप्रभु एकदम पागल होकर के यहीं से महाप्रभु चल पड़े। फिर तो उन्होंने जगन्नाथ जी को उन्होंने पकड़ने के लिए गए तो पंडित लोग रोक दिए, वहीं पर महाप्रभु पछाड़ का आकर वहीं पर गिरे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वहां से लेकर के अपना घर में गए, फिर उनको साथ में जो शास्त्रार्थ हुई, इसलिए ये नदी का नाम है दंड भंगा नदी। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने इसको तीन टुकड़े क्यों कर दिए, कारण किया, बोले कारण है उनका जो संन्यास जिनसे लिए थे, संन्यास जिनसे लिए थे वो शंकर संप्रदाय में, इसलिए उनको संप्रदाय में एक दंड धारण करते, एक दंड मतलब एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जगत में एक ही भगवान ब्रह्म बोल के एक, और दो मानकर जगत में कोई है नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म ये भी ब्रह्म ये भी ब्रह्म ये भी ब्रह्म ये भी ब्रह्म सब ब्रह्म 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 एक द्वितीय नास्ति। इसलिए एक दिन शंकराचार्य इसका फिलोसफी है, शंकराचार्य का माँ एक दिन शंकराचार्य को बोले, बोले जाओ तो घर में मेहमान आए थोड़ा बैगन तोड़ कर ले आओ, उसने एक बैगन तोड़ करके लाया, माता जी ने कहा एक तेरे को इतने सारे मेहमान है एक बैगन में क्या होगा, बोले एक ही तो बैगन, बोले एक बैगन कैसे, बोले चलो, बोले चलो, तो उन्होंने दिखाई इतने सारे बैगन, शंकराचार्य एक एक बैगन है ना, ये एक बैगन, बोले ये एक एक ही तो बैगन है, उनको माँ कान में थप्पड़ मारे, बोले तेरे गुरुजी ने एक दो तीन सिखाया नहीं, एक दो तीन नहीं सिखाया, अरे एक 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 मतलब वो एक ब्रह्म है ना, और एक ब्रह्म को स्थापन करने के लिए आई भगवत इच्छा से, इसलिए मान बड़े थप्पड़ उनके जोर के, इसलिए उनका जो फिलोसफी एक ही ब्रह्म और उनको छोड़कर कुछ है नहीं, लेकिन जो ये शंकर संप्रदाय के, लेकिन हमारे जो वैष्णव संप्रदाय में उसमें तीन दंड है, हैं, उसमें जो जीव भगवान उनकी शक्ति है, हैं, इसलिए वो तीन है, इसलिए और तीन दंड मतलब काय मन और वाक्य, ये तीनों को द्वारा क्या करनी चाहिए, उसमें एक जीव दंड रहता है, ये जीव को दंड देकर क्या करनी चाहिए, काय मतलब शरीर मन और वाणी, ये तीनों से भगवान गुरु वैष्णव का सेवा करनी चाहिए, इसलिए वो तीन दंड, इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और गुरु तत्व है, इसलिए उन्होंने एक दंड को उन्होंने तीन दंड से उन्होंने टुकड़े कर दिए, इसलिए ये नदी का नाम है दंड भंगा नदी। और यहाँ पर आसपास में उस तरफ में गोपीनाथ जी का मंदिर है, नदी का उस पार में गोपीनाथ जी का मंदिर है, और इस तरफ में ये भृगु ऋषि का आश्रम है। हम नाम सुने भृगु ऋषि, ये भृगु ऋषि बहुत बड़े विद्वान थे, एक समय शंकर जी के भक्त ब्रह्मा जी के भक्त और विष्णु भक्त में लड़ाई हुई, जो शंकर जी के भक्त हुए बोले सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर ही सब कुछ है, जो ब्रह्मा जी के भक्त बोले ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करने वाले, जब विष्णु का भक्त बोले दुनिया को तो वही पालन करते, वो पालन नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। अभी तीनों भक्त में लड़ाई हो गई,
जो जिसका भक्त हो वो उसको का ही बड़ा माने। अभी प्रश्न है, पर ये तीनों में बड़े है कौन, ये चीज को स्थापन कौन करेगा? बोले ऐसे एक व्यक्ति को चुना जाए जो सर्व मान्य संपन्न हो, सर्वगुण और सारे शास्त्र विचार को जानते। बोले ऐसे ऋषि कौन है? बोले श्री भृगु ऋषि। बोले इनको भृगु ऋषि को भेजा जाए। भृगु ऋषि परीक्षा करने के लिए गए, तीनों का भक्त सबके सब एक जगह पर बैठे हुए। बोले हम यहाँ बैठे, तुम परीक्षा करके आओ। ये पहले अपना पिताजी को पास में, ब्रह्मा जी को पास में। ब्रह्मा जी ने देखा अपना बेटा आया, बेटा को देख करके पिताजी खड़े हो गए हैं, और बच्चे को आलिंगन करने के लिए आए। कितने दिन को बेटा आया, लेकिन ये जा करके ना पिताजी को कोई सम्मान फनमान कुछ नहीं किया। नियम हो ना, पिता पहले तो बच्चा जाकर पिताजी के चरण छुए ना, पिता खड़े हुए कुछ नहीं कर रहा, जैसे तैसे खड़े हुए। ब्रह्मा जी को तो क्रोध आया, बोले पिताजी को पास में आया, इतना तेरे को सिखाया नहीं मैंने, जाकर कम से कम पिताजी का चरण तो छुआ। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, कमंडल से पानी लिया, मंत्र पुत करके उनको खत्म करने के लिए। इतने में जो ब्रह्माणी थी, बोले अपना बेटे के ऊपर थोड़ी क्रोध करते, जो कुछ अपना बेटा ही ना, बेटे के ऊपर थोड़ी क्रोध करते, शांत रहो। अब देखो घर में जो पिताजी क्रोध करते, माँ क्या करती है, उनको शांत कर, छोड़ दो, बच्चा जानता नहीं, गलती कर देता, इसलिए उनको थोड़ा शांत कर दिया। वहां से भागे सीधा भोले बाबा के पास में। हाँ, भोले बाबा के पास में पहुंचे तो ये भोले बाबा, ये छोटे भाई, वो बड़े भाई। शंकर जी ने देखा बड़े दिन में छोटे भाई आया, बात देख कर इतने खुश हो गए, छोटे भाई को आलिंगन करने के लिए आए। भृगु ने बोला चुप, वही वही कर रहो, भटकना नहीं, वही आगे मत बढ़ो। कहां शरीर में सारे साफ ही साफ है, और जितने गंधा बेस, गले में हड्डी का माला, सांप बिच्छू लटक रहे हैं, कोई अच्छे राग भी नहीं, शमशान का राग को मल हुए, भूत प्रेत को साथ में रहे, तो कोई कट रहो छुआ नहीं। इतना सुनते ही शंकर तो त्रिशूल उठा, बोले क्या मेरे को अपमान, अभी मैं दिखाता हूं। त्रिशूल उठा लिया, बस मारने के लिए दौड़े। इतने में रुद्राणी थी, हाँ, माता पार्वती, बोले छोटे भैया को थोड़ी राग क्रोध करते, अब बड़े है ना, बड़े को हर समय सावधान रहनी चाहिए, छोटे भैया को क्रोध नहीं करते। बस वहां से चले गए, कहाँ चले गए, वैकुंठ। भगवान नारायण अनंत नागपुर शयन किए हुए, माँ लक्ष्मी चरण पलट रही थी, देवता लोग शांतागारम भुजग शयनम स्तुति कर रहे थे। इतने में ये सीधा गए, कोई बोल चाल नहीं, उनका छाती के ऊपर जोर से लात मारी। अब नारायण तो आंख बंद करके सोए हुए थे, जब लात मारे ना, इतने में नारायण खड़े हो गए और भृगु जी का चरणों को पकड़ लिए। बोले मेरे छाती तो इतने बड़े, हाँ इतने कठोर है, आपका चरण तो बोले बड़े कोमल है, मक्खन जैसे, आपका चरण कमल में कोई आघात तो नहीं पहुंचा? उनका चरणों को उल्टा पकड़ लिए, पकड़ लिए तो इसको देख करके ना पानी पानी हो गए भृगु। देखो किसी एक व्यक्ति को अपमान ना, अकेला अपमान करना उसको सह जाएगा, लेकिन अगर ना उसको पत्नी को सामने उसको अपमान कर दो ना, वो कभी सहन करने वाले नहीं। अब वृंदावन में देखना, बंदर को अकेला हो ना, उसको थोड़ी सी इधर उधर बोलो, बंदर पुरुष बंदर कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको पत्नी बंदर को सामने बंदर को कुछ बोल दिया ना, एक तो बिगड़ जाएगा आपके ऊपर में। कहते हैं कि बंदर अपना बीवी को सामने भी अपना अपमान को सहन करना नहीं चाहता है, है? अगर किसी पत्नी को सामने किसी पति को अगर अपमान कर दो, अगर पति सह कर लिया ना, घर में जाकर थाना मारेगी, बोले घर में बहादुर दिखाते हो, हमने देख लिया तेरे बहादुरी को, वहां पर सभी को सामने उसने क्या क्या बोल लिया, वहां तो चुपचाप हो गया, कुछ बोला नहीं, अब घर में जितने बहादुर दिखाते हो, हैं? इसलिए लक्ष्मी वहां चरण पलट रही थी, लक्ष्मी को सामने उन्होंने अपमान की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। इसको देख करके भृगु का एकदम हृदय एकदम पानी पानी हो गया, भगवान का चरण में माफी मांगने लगे। बोले हे प्रभु, मेरी अपराध आपका चरण में हो गया, आप मेरे को उल्टा माफी मांग रहे हो, अगर कोई पूज्य जगत में हो केवल नारायण ही पूज्य है, और कोई देवता उन्हें पूज्य नहीं। फिर उन्हें वापस आए ऋषियों के पास में, बोले तुमने क्या देखा, उन्हें सारी बात को बता दिया। बोले किसी देवा देवी को पूजा मत करो, मना कर दिया।
पूजा करना तो किसको करे, बोले भगवान नारायण को करो। बोले हरे कृष्ण ग्रोच कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते क्यों दूसरे देवादेव को क्यों पूजा नहीं करनी चाहिए, देखो इसमें कारण बताए। जब हम किसी देवादेव को पूजा करते हैं कभी ना कभी थोड़े बहुत गलती होता है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं एकदम पूरा प्योर रूप में किसको पूजा कर सके, उसमें कुछ ना कुछ सेवा अपराध होता है। कहते अगर ब्रह्मा शंकर जी की पूजा किया, अगर थोड़ी सी तुम्हारी इधर उधर हो गई हाँ, थोड़ी पान से चून खस निकल गया, फिर तो देना को लेना पड़ जाएगा। इसलिए आप देखो अक्सर करके जितने शंकर जी भक्त है ना सब मरे जो जब पूजा तो किया खूब उल्टा पुलटा हुआ तो शंकर ही खत्म कर देते हैं, कोई बचाने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन अगर विष्णु को अगर पूजा करो, भगवान कृष्ण को राम को भक्ति करो, अगर तुम्हारी कोई उल्टा पुलटा कुछ हो ना, वो ऐसे के ठाकुर है वो भाव ग्राही जनार्दन, केवल तुम्हारी भाव को ग्रहण करेंगे, तुम्हारी अच्छी चीज को देखेंगे, तुम्हारी कोई गलती और नहीं देखेंगे, तुम्हारी गलती की तरफ में वो ध्यान नहीं देते। इसलिए ये भृगु ऋषि का ये यही स्थान है, यहीं पर उन्होंने भजन किया। और हमारे उड़ीसा में जितने सारे ठाकुर अभी डोल गया ना, अभी जो होली गया, सारे यहाँ आसपास के जितने गांव जितने ठाकुर सब यहीं पर आते हैं और यहीं पर आकर के मेला बैठता है। मैं भी यहीं पर आता था हाँ, यहीं पर आता था। और जो कपतेश्वर महादेव है हमारे गांव के ठाकुर वहां पर भी आते थे, इसलिए वहां पर भी आते थे। क्या हो रहा है, हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ तो थोड़ी बाद में फोन करना, ठीक है। हाँ दे दिया हाँ हाँ दे दिया धन्यवाद दीदी। हाँ हरे कृष्ण। इसलिए ये स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है, हम यहाँ पर आए। हरे कृष्ण, दिस प्लेस इज द वेरी वेरी गुड प्लेस, यू नो लुक लाइक वृंदावन, नाउ एवरीबॉडी वांट स्लीप हियर। सो महाप्रभु टुक सावर, नित्यानंद प्रभु टुक सावर हियर, टुक बाथ हियर, यू आर ऑल्सो टेक आचमन, ओके। And today also Mahaprasad, Nrisingadev Prasad, today also temple, Nrisingadev Prasad coming, Jagannath Prasad coming, daytime, night time also. And if somebody want, they can shower in the ocean. Where you are stay in our, this temple is some special temple, where you are stay. This Gurudev doing bhajan there, you know they are Gurudev bhajan place. And Gurudev last time he left body also here, you know. Left body, and when Jagannath came, you know, through wooden, he came to there, then king take this wooden and met Jagannath deity. So where you stay, this is Chakratirtha, you know, Chakratirtha, meaning this wood, they are symbol, this bees, lotus, club, and there are so many breed there in this wood. So this place is a Chakratirtha, where you stay. So this place is very, if somebody want, they can today can take shower there, okay, shower in ocean, but be very careful, okay. Nitai Gaur Brahmanande Hari Hari Bol, place Dandamaga Nadi Ki Gaur Brahmanande Hari Hari.